नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। जी हाँ, अशोक गहलोत ने मीडिया कर्मी को सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, यानी खुद के बीच में जिस तरीके की खींचतान चल रही है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना है कि मीडिया दोनों को लड़ा रही है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सचिन पायलट ने जब से अनशन किया है तब से सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है राजस्थान की राजनीति में। ऐसे में अशोक गहलोत ने का ये बयान जो है वो राजनीति में और बड़ा संकट खड़ा कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। मीडिया कर्मियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा है कि आप हमें लड़ाइए मत, यानी कि जब सचिन पायलट के बयान को लेकर के, उनके बगावती सुर को लेकर के अशोक गहलोत से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि आप हमें लड़ाइए मत, यानी कि मीडिया को सीधे तौर पर उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया। आपको बता देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल पहले आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही सूबे में सियासी पारा हाई होने लगा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम विकास कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांगेंगे। बीजेपी के नेता भी राजस्थान आएंगे, वो बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना मीडिया से कहा कि हमें लड़ाइए मत। तो अब जिस तरीके की बयानबाजी अशोक गहलोत की तरफ से की जा रही है, सीधे तौर पर वो मीडिया को ही दोनों को लड़ाने का जिम्मेदार ठहरा रहे, लेकिन सच्चाई जो है वो किसी से छिपी नहीं है। सभी जानते हैं कि सीएम पद की दावेदारी को लेकर के दोनों के बीच में जिस तरीके का सियासी घमासान देखने को मिल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। अशोक गहलोत मीडिया कर्मियों को भले ही जिम्मेदार ठहराए लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खींचतान चल रही है उसको लेकर के सभी वाकिफ है। आपको बता दें सचिन पायलट इस वक्त आर या पार के मोड में है, वहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर इस वक्त कोई भी प्रतिक्रिया देने के मूड में नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके लिए अभी सिर्फ 5 महीने का समय बचा है। सचिन पायलट कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार बगावती सुर अपनाए हुए हैं, लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट के पास अब आने वाले समय में क्या कुछ विकल्प है, क्योंकि अब वो कांग्रेस पार्टी में और इंतजार करते हुए नजर आएंगे या फिर अपनी दूसरी पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और पार्टी में शामिल होंगे, इसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम की जो कमान है वो दोबारा से अपने हाथों में ले सकते हैं, लेकिन जो बात है वो यही है कि सीएम पद की दावेदारी वो पेश करना चाहते हैं और यही मुद्दा लगातार राजस्थान की सियासत में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब अशोक गहलोत के इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सचिन पायलट की तरफ से सामने आती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट9 न्यूज़।